जब कभी कोई सास पसंद करती है एहसान तो बहुत है, सास का माँ तो पसंद करके नहीं लाती, सास पसंद करके ले जाती। माँ कभी ये सोचती है कि अच्छा ये बच्ची, इसके नैन नक्श ऐसे हैं, ये लूं या ये लूं या ये लूं, ये तो सास ही का काम है या नंदों का काम है या ससुराल में दीगर जो रिश्तेदार हैं वही खवातीन आके पसंद करती हैं ना, नॉर्मली तो ऐसा ही होता। तो अब आप देखें कि जिसने किसी लड़की को पसंद किया उसका एहसान तो है, उसने तरजीह दी है, प्रेफरेंस दी है बाकी सबके मुकाबले में। लड़की को उनकी बात भूल जाती है, अपनी याद रहती कि मैं हुई ऐसी कि मुझे पसंद किया गया, गोया उसका बड़ा कमाल है। अब आप देखेंगे एक एक चीज उसको तकबर में मुब्तला करती है ना, और फूंक भरती जाती भरती जाती, जब वो दुल्हन बनती है ना पूरी तरह से फूंक भर चुकी होती है, फिर जब वो ससुराल के घर जाती है तो पूरी फूंक के साथ जाती है। शादी के बाद वलीमे तक सिलसिला जारी रहता है, जब वो वलीमे के बाद अपने घर वापस आती है, वापस जाती है, तो माहौल बदला बदला लगता है, क्योंकि सब लोग तवक्कात वाबस्ता कर लेते हैं ना कि अब जैसे हमने एक भलाई का मामला किया तो वापसी हमारे साथ भी भलाई का मामला हो। लेकिन लड़की समझ नहीं पाती, इसलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम मेके से ससुराल तक के सफर को अच्छे तरीके से समझें। ससुराल का घर दरअसल एक इम्तहान का होता है। शादी से पहले लड़की कभी नहीं सोचती कि वो इम्तहान का है, कि मैं इम्तहान के लिए जा रही हूं। देखिए आप पेपर देने जाते हो तो 3 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए आपका पेपर खत्म हो जाता है, तो आपकी वो कैफियत खत्म हो जाती है, आप दोबारा जिंदगी में वापस लौट आते हैं। लेकिन ससुराल का पर्चा शुरू होता है तो फिर खत्म ही नहीं होता, और ससुराल में जितने पर्चे हमें देने होते हैं उन सारे पर्चों में कोई सवाल ऑप्शनल नहीं होता। और वो जैसे अमजद इस्लाम अमजद ने कहा कि जिंदगी के पर्चे के सब सवाल मुश्किल हैं, सब सवाल लाजिम हैं। तो ये मुश्किल सवालात शादी के बाद इंसान को सॉल्व करने होते हैं। और लड़की शादी को इम्तहान नहीं, शादी को एक सपना समझती है। जो ही हकीकत के दौर का आगाज होता है उसके सपने चनाके से टूट जाते हैं, और लड़की फिर हकीकत को फेस नहीं कर पाती। तो आप ये देखें कि हम अगर इसकी मिसाल समझना चाहें तो मेके की मिसाल ऐसी है जैसे मछली किसी पानी के अंदर हो, चाहे वो दरिया हो, चाहे वो चश्मा हो, चाहे वो कुआं हो। जिस वक्त लड़की ससुराल में जाती तो उसकी हैसियत ऐसे हो जाती है जैसे मछली को पानी से निकालकर खुश्की में रहने का आदि किया जाए। तो आप देखें कि खुश्की में रहने वाली मछली की क्या कैफियत होती है, हर पल वो तड़पती है तड़पती है तड़पती, क्योंकि माहौल उसकी मर्जी का नहीं है ना। तो एक लड़की को जान लेना चाहिए कि मैंने जहां जाना है वहां मैंने खुश्की का आदि बनाना है अपने आप को। पानी तो मेके का ही था, मोहब्बतों का पानी, चाहे वो मोहब्बतों का दरिया हो या मोहब्बतों का चश्मा हो या मोहब्बतों का समंदर हो। अब एक घर से दूसरे घर तक का जो सफर है तो वो भी घर, बात ये नहीं है कि वहां से मोहब्बत नहीं मिल सकती, मिल सकती है, लेकिन इतनी जल्दी थोड़ी मिलेगी, इतनी आसानी के साथ थोड़ी मिलेगी। तो ये बात आपके जहन में रहेगी कि अपने घर में तो ऐसी मछली की तरह है जो पानी में खूब जहां चाहती है वहां पे एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है और जो चाहती है खाती है, और इसी तरह जैसे मूव करना चाहती मूव करती है। लेकिन जिस वक्त मछली को पानी से निकाल दिया जाए तो खुश्की में मछली अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर पाती सिवाय तड़पने के। तो इसका यह मतलब नहीं कि किसी ने हर वक्त तड़पना होता, लेकिन फिजा ना सांसकार होती है, माहौल मर्जी का नहीं होता। बस सादा सी बात अपने जहन में रखें कि माहौल वो नहीं होता जो मेके का माहौल है। इवन जिन घरानों में बहुत मोहब्बत होती है ना, कहीं खाला के घर, कहीं फूफी के घर, कहीं चचा के घर, कहीं मामू के घर, फैमिली में से दूर दराज के रिश्तेदार हो, बेशक फैमिली का माहौल कितना ही मिलता हो ससुराल ससुराली होता है।
शादी के बाद हालात बदल जाते हैं। मैं एक ऐसी फैमिली को जानती हूं जहां पे दो भाइयों की इतनी मोहब्बत, उनके यहां दो बहनें यानी खाला भी थी बयक वक्त और चचा ताया के बच्चे थे, और शुरू से बचपन से जब से पैदा हुए इकट्ठे रहे और आपस में हमांगी भी थी, और मोहब्बत देखकर घर वालों ने शादी कर दी। जो ही शादी हुई इख्तलाफात शुरू हो गए, और ऐसे इख्तलाफात एक ही घर में, वही घर वही चार दीवारी अजाब बन गई, और बिल आखिर तलाक तक जा पहुंची बात। और एक ही घर में दो भाई रहते थे, और फिर ऐसा हुआ कि तलाक हो गई और उस बच्ची की किसी दूसरी जगह शादी हुई, और वो लड़का भी इस घर में आता था। सोचिए कि माहौल कितना अजीबो गरीब हो गया ना। और इसके पीछे क्या था? लड़की की बेशऊरी। मैं नहीं समझती अकेली लड़की इस मर्ज में मुबतला होती है, घर वाले भी। किसी का मकूला है कि बच्चों का बाप अहमक होता है, बेवकूफ होता है। वो असलन बेवकूफ नहीं होता, क्योंकि सारे ही बाप तो होते हैं ना। असलन बेवकूफ नहीं होता, बेवकूफ बन जाता है, यानी औलाद की मोहब्बत उसे बेवकूफ बना देती है। तो यूं हम देखते हैं कि जो मामलात अपने घर में होते हैं, जो मोहब्बत अपने घर में मिलती है, जो तवज्जो अपने घर में मिलती है, ससुराल में वो तवज्जो नहीं मिलती। खून का रिश्ता तवज्जो और मोहब्बत का सबब बनता है, और शहर का रिश्ता शौरी रिश्ता है। ससुराल का जो रिश्ता है इसे भी शौरी तौर पर अपनाना पड़ता है। तो कितनी बारीकी से देखने की जरूरत है कि ये रिश्ता कैसा है, इसमें करने वाले काम कौन से हैं, कैसी खसूसियात की जरूरत है, और किस तरह से उन खसूसियात की वजह से हरदम कॉन्शियस रहने की जरूरत है। तो आप देखें कि जो लड़की ये समझ जाती है कि ससुराल का माहौल फर्क, मेके का माहौल फर्क, ससुराल में मकाम फर्क, मेके में मकाम फर्क,